सो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। आज के इस वीडियो में आप लोगों को व्हाट्सएप के ऐसे हिडन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। ऐसे हिडन ट्रिक के बारे में बताने लो जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है और आप जिसे डेली यूज़ भी कर सकते हो। आप लोग डेली व्हाट्सअप यूज़ करते हैं चैटिंग करने के लिए या ग्रुप आपके होगी कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स भी होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग डेली व्हाट्सअप को यूज़ करते हो। लेकिन उसके अंदर ऐसी खुफिया राज छुपी हुई है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते थे और कुछ नए अपडेट भी आए हैं जो कि मैं आज के इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा कि किसका क्या काम है। तो वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करना। उसके लिए आप लोग क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो गाइस व्हाट्सअप का जो पहला ट्रिक निकल के आ रहा है वो ये है कि आपके व्हाट्सएप के अंदर तो ग्रुप होगा ही, आप ग्रुप में चैटिंग वगैरह करते हो, चाहे कॉलेज ग्रुप हो, स्कूल ग्रुप हो, कोई भी हो, आप चैटिंग करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि कोई मैसेज कर देता है आपको ग्रुप में, आप क्या सोचते हो कि उसे मैं पर्सनल रिप्लाई करूँ और उसे समझाओ कि भाई ऐसा मैसेज मत करो, तो आप उसे नंबर सेव करोगे, उसके बाद क्या करोगे उसे पर्सनल रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके पहले आप उसे पर्सनल रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसे रिप्लाई करना चाहते हो तो इस ट्रिक की मदद से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करके रखना है, यहाँ पे क्लिक रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि जिसने भेजा है यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या रिप्लाई प्राइवेटली, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जिसने वीडियो भेजा उसे आप रिप्लाई करना चाहते हो, जिसने मैसेज भेजा है उसे रिप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना डायरेक्टली आप उसे यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हो रिप्लाई कर सकते हो। सो गाइस व्हाट्सएप की दूसरी जो ट्रिक है वो भी ग्रुप को लेकर के वर्क करती है। जैसे कि आप ग्रुप में चैट करते हो, आप कोई भी मैसेज सेंड कर देते हो तो वो कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने रीड किया है, किन किन लोगों के पास पहुंचा है, आप उसे चेक नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट के ऑप्शन पे चले जाना है। अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी में आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रीड रिसिप्ट जो ऑप्शन है उसे यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप यहाँ से उसे ऑन कर देते हो ना, ऑन करने के बाद ग्रुप में आप किन किन लोगों को मैसेज, मतलब जो मैसेज आप करते हो वो किन किन लोगों के पास गया है और किसने किसने उसे रीड किया है, वो सारी चीज़ें आप लोग आपको पता चल जाएगी इजीली। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तूने मेरा मैसेज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या कोई आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता कि भाई मैंने मैसेज तेरा नहीं देखा था और मैं मैसेज नहीं पढ़ा था। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने उस बंदे ने मैसेज देखा है या नहीं देखा है, सीन किया है या नहीं किया है, वो आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो दूसरी वाली भी सेटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनल तीसरी ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को, तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आने वाला है तीसरा ट्रिक जान करके। सो गाइस आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप किसी भी मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आता है। हमें क्या फ़ायदा इसे कि हम स्टार कर देते हैं, स्टार करने के बाद अगर हम इस मैसेज को डिलीट भी कर दें तो यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं उसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको सिंपली यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा स्टार मैसेज, उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे हम अपना फेवरेट मैसेज क्या कर सकते हैं स्टार करके रख सकते हैं ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम डायरेक्ट इस मैसेज के पास आ जाए, इस फोटो इस वीडियो के पास आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम स्टार करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका एक और फायदा हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि बहुत सारे, मतलब यहाँ पे आपके मोबाइल में ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे मेरे फोन में एक ग्रुप है या आपका कोई भी फ्रेंड है उससे आपको बहुत ज्यादा मैसेज आती है, तो क्या होता है आपका वीडियोज वगैरह आते हैं तो आपका क्या होता है स्टोरेज फुल हो जाता है फोन का, आप डाउनलोड भी कर लेते हो तो क्या होता है स्टोरेज फुल बताने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सारे के सारे मैसेज को यहाँ पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे होल्ड करके रखोगे ना, होल्ड करके रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है स्टार कर देना है। स्टार करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आप बैक कर देना है, आपने मैसेज पूरा स्टार कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टार देखने को मिल जाएगा जितने मैसेज को आपने स्टार कर दिया है। तो अब क्या करना आपको, आप चाहते हो कि मेरा पूरा का पूरा जो मैसेज है ग्रुप का मैसेज उसे डिलीट करना है, फोटो वीडियो सारे के सारे मैसेज को क्या करना है डिलीट करना है, क्योंकि इससे क्या होएगा कि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा और आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। तो इससे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोर का ऑप्शन, उसके ऊपर चले जाना है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर चैट का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप यहाँ पे देखोगे ना यहाँ पे लिखा है कि डिलीट स्टार्टेड मैसेज, तो हमें क्या करना है उसके ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, वो ऊपर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि
जितने मैसेज को आपने स्टार कर रखा है ना वो डिलीट नहीं होएगा और बाकी के सारे मैसेज ग्रुप से डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे ये फ़ायदा आप उठा सकते हो इस स्टार का, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद का है। इसे आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कर देना है। जैसे कि मैं क्लियर कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैसेज डिलीट हो चुका है। कितना मैसेज था बट मैंने जिन 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 पर स्टार किया था सिर्फ और सिर्फ वही डिलीट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हो किसी भी ग्रुप के सारे फालतू के मैसेज डिलीट करके अपने फ़ोन के स्टोरेज को सेव करके रख सकते हो। तो ये थी हमारे फाइनल ट्रिक और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक थी जो कि आखिरी मैंने बताया। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।